क्या शाहिद अनवर ने भी अनस अली को एक्सपोज कर दिया है, और क्यों कैंडोल जो है वो इन्फ्लुएंसर्स पे इतने ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, और लास्टली क्या वसीम बदामी ने मोहम्मद शिराज की मासूमियत छीन ली है। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिट्टी फायड और आज मैं आपके लिए हर जगह से अनबायस्ड न्यूज लेके आया हूं, तो वीडियो के एंड तक लास्ट में देखना। छठे नंबर पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत और नादिर अली के बारे में। तो एक इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने बताया कि नादिर अली के प्रैंक्स ने उनकी जिंदगी बचाई थी और जिंदगी में सिर्फ नादिर अली का फैन हूँ, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। बाकी उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा आप लोग खुद ही सुन ले। नादिर अली एक प्रैंकस्टर है, उसके प्रैंक्स ने शायद हमारी जिंदगी बचाई है। मैं उनको देखा करता था एक उम्मीद, और हमेशा जब वो प्रैंक्स में वॉच करता था 10-10 दफा, 50-50, 100-100 दफा उसके एक प्रैंक मैंने देखा है। मैं आज भी उसका बड़ा मदाऊ, मैं कराची गया था, मुझे मौका नहीं मिला कि उससे मिलता या उससे रब्ता होता। एनी हाउ ये शख्स है, अगर जिंदगी में किसी एक शख्स का फैन हूँ मैं तो ये नादिर अली है। जबरदस्त यानी उन्होंने आपकी लाइफ को 360 चेंज किया, इन अ गुड वे, इन अ नाइसर वे। जैसे आप लोगों के चेहरों पे एक डायलॉग से मुस्कुराहट फैला रहे ना सर, उन्होंने शायद आपकी लाइफ में इस तरह से मुस्कुराहट फैलाई। ना ना, वो कमाल का आदमी है, कमाल का। वो दिल से जो है ना कॉमिक्स करता है, पता नहीं मैं उसका मतलब है बिल्कुल ऐसा, उसको मैं लाइक करता हूँ, उसकी एक एक वीडियो का मुझे शिद्दत से इंतजार रहता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आगे पांचवें नंबर पे हम बात कर लेते हैं कवल अफ्ताब के बारे में। तो ये काफी फेमस टिकटॉकर है, आई एम श्योर कि आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे। तो रिसेंटली जुल्करनैन सिकंदर ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कवल अफ्ताब के 20 मिलियन फॉलोअर्स वाला टिकटॉक अकाउंट ने बैन हो गया है, वो भी किसी वार्निंग के बगैर, जिस पर कवल अफ्ताब का क्या रिएक्शन था आप लोग खुद ही देख ले। अपना मोबाइल दिखाओ, तुम्हारे मोबाइल पर ही तुम्हें दिखाता हूँ, ये लो कवल, इसको पढ़ो। इसके बाद तुम्हारी तोड़-मोड़ हिलने वाली है। ये किसका अकाउंट है? ये तुम्हारा अकाउंट है। ये बैन कैसे हो गया? मैंने भी सुबह उठते ही देखा है, लेकिन ये बैन क्यों है मुझे क्या पता हो। मैं देखती हूँ, ले चेक करो मुँह कैसे बन गए। वो तो बंदा है ना जुलकर, 5-6 साल की मेहनत है, 20 मिलियन फॉलोअर्स है जी। नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम एक सेकंड में रो पड़ती हो, इसलिए आज रोना भी नहीं है, क्योंकि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तकरीबन 3 साल पहले ना मेरे तब होते थे 2.5 या 3 मिलियन फॉलोअर्स, तो मेरा भी अकाउंट बैन हो गया था। तो मैंने टिकटॉक टीम से रब्ता किया था, तो फिर मेरा अकाउंट 1 या 2 दिन में वापस आ गया था, इसलिए तुम्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ना टिकटॉक टीम को मैसेज करो, ठीक है ना, करती हूं मैं, वो देख नहीं करो, और उनको ना ऐसे भेजो। मैं भी तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं जो कि मैंने उठने के बाद तुम्हारी प्रोफाइल का लिया था, वो भी उनको शेयर करो कि यार क्या वजह है क्यों मेरा अकाउंट बैन हो गया। और अगर मेरा अकाउंट ना, एक तो बैन करना और ऊपर से वजह ना बताना, आप लोगों को ये पॉलिसी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं वसीम बदामी और मोहम्मद शिराज के बारे में। तो हाल ही में छोटे व्लॉगर मोहम्मद शिराज की मकबूलियत को देखकर एयर वाले मोहम्मद शिराज को अपने रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान में इन्वाइट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मिशी खान समेत बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आसमान सर उठा लिया कि वो बच्चा नहीं रहेगा। इस सब के पीछे कुछ नुकात है कि क्यों उसकी मासूमियत छीनी जा रही है। उनका ये कहना था कि एक मासूम सा बच्चा है जो कि नेचुरल सी व्लॉगिंग करता है, और अब उसे रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब की जाएगी, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, उसे ना चाहते हुए भी सहरी के लिए उठना पड़ेगा, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और भी नुकात बताए जिसमें वो ये कहते हैं कि उसकी मासूमियत छीन ली जाएगी। इस सब पर लाइव ट्रांसमिशन पर वसीम बदामी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बच्चों को तो यहाँ पर रहने का मजा आता है, उनके वालिदैन को हम खुद फोर्स करते हैं कि कहीं इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उनकी मासूमियत नहीं छीनी जा रही है, जैसे कि उन्होंने ये कहा। ये सारे तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं अनवर मकसूद के बारे में, जो कि फेमस राइटर है पाकिस्तान के। तो हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में बयान के जरिए वाजिया किया कि उनकी कुछ फेक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है जिसमें उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके चाहने वाले उनको बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप खैरियत से तो हैं, जिस पर उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और ये सारी उनकी फेक वीडियोज है और ना ही उनको अफवाह है कि पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई खतरा है। उन्होंने मजीद बताते हुए ये कहा कि मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और फौज के जवानों से भी करता है। बाकी उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन। मेरा नाम अनवर मकसूद है, मैं आप सबको जानता हूँ और शायद आप भी मुझे जानते हो। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से हर शहर से फ़ोन आ रहा है कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। ये सब कुछ मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। ओके, तो दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कैंडोल के बारे में, जिन्होंने हाल ही में बताया कि एक एनजीओ जो कि ज़कात इकट्ठा करती है ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके, उनके साथ उन्होंने राब्ता किया और बताया कि आप इस नेक काम में हिस्सा डालें और इसकी प्रमोशन करें। और कैंडोल इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे जब एनजीओ ने यह बताया कि आप इसको प्रमोट करेंगे तो जो फंड रिसीव होंगे उसमें 20% कमीशन आपको मिलेगा, जिस पर गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने ये बताया कि मैं कोई पागल हूँ जो गरीब लोगों के पैसों पर कमीशन लूँ। और हैरानी की बात यह है कि हमारे जाने माने इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे एक एनजीओ ने या फिर कोई ज़कात इकट्ठी करने वाली कंपनी ने मैसेज किया जिनके पेज पे काफ़ी सारे लोग और भी उसको प्रमोट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही सीन क्या है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि अदनान, हम ना आपके थ्रू अपनी ना वो ज़कात जो उस पर आ रही है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर उसने जब मुझे कहा कि आपको 20% कमीशन मिलेगा जो भी आपके कोड के थ्रू ज़कात आएगी, आपको उसका डैशबोर्ड दिया जाएगा, और मैं आई वाज लाइक आर यू सीरियस कि मैं गरीब लोगों की ज़कात के ऊपर अपना 20% कमीशन लूँगा। इतना कहूँगा कि जो चपड़ी किस्म के जो भी इन्फ्लुएंसर या वगैरह कोई सेलेब्रिटी 2 नंबर किस्म के इस तरह की प्लेसेस जो हैं आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ज़कात यहाँ पे दें, मेरी जान लोगों ने पैसे लिए हैं लोगों से, और जो लोग ज़कात इकट्ठी करने के लिए किसी को पैसे दे सकते हैं तो उन्होंने उस चीज़ को कारोबार बनाया हुआ है। अब पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं शाहिद अनवर और अनस अली की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो एक्चुअली में हुआ ये कि कुछ दिनों पहले अनस अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने शाहिद अनवर की सच्चाई बयान की। तो इसी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए शाहिद अनवर ने यह बताया कि 2 टके का आदमी पता नहीं कौन है जो कि मेरे ही सिखाए हुए कोर्स को आगे रीसेल करता है, और शाहिद अनवर ने यह भी बताया कि उनके स्कैम कोर्सेज लेके आगे दूसरे लोगों को स्कैम करता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई शाहिद अनवर के कोर्सेज में स्कैम से जुड़े हैं या ये उनके मुंह से गलती से निकला है? जिसकी रिप्लाई देते हुए अनस अली ने ये कहा कि मैं शाहिद अनवर से सीखा है, लेकिन उनके मुताबिक तो उन्होंने मुझे स्कैम सिखाया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि ई कॉमर्स को उन्होंने उनसे पहले स्टार्ट किया था, और अगर उनका अगर पाकिस्तान आना हुआ तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, उनकी मेजबानी भी करेंगे, जैसे की उन्होंने ये कहा। यार, शाहिद अनवर ने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने उससे सीखा और उससे स्कैम सीखे, मैं आगे स्कैम सिखा रहा हूँ। पहली बात है शाहिद भाई, आपके कहने का मतलब है कि आपने जो मुझे सिखाया था वो स्कैम था। तो दूसरी चीज ये है कि मैं आप सिखाते हो अमेजोन, मैं सिखाता हूँ शॉपिफाई की मार्केट और लोकल में तो आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप तो पाकिस्तानी आए 8-10 साल से, ठीक है, मैं तो इधर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने, आप मेरे से बड़े हैं 8-10 साल, आप मेरे भाई हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे पे वीडियो बनाओगे। एनिमी न्यूज में हम बात कर रहे थे टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के बारे में जो कि स्केजुअल हो चुका है जुलाई 2024 के लिए। इसके अलावा सुसाइड स्क्वाड इसी का ओरिजिनल एनिमे जो है स्केजुअल हो चुकी है जुलाई 2024 के लिए। तो लेट्स सी कि कैसी होने वाली है। तो बस अभी के लिए मैं इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।